हेलो माय डियर फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है आज के वीकली वेबिनार में। मेरा नाम आदित्य है और मैं आप सभी का स्वागत करना चाहूंगा आज के इस वेबिनार में। और फ्रेंड्स, आज मैं आपसे कुछ बात करने वाला हूं जो हार्ट टू हार्ट टॉक होगी। मैंने इसके लिए कोई प्रिपरेशन नहीं की है, मैंने इसके लिए कोई स्पेशल वेबिनार नहीं डिजाइन किया। मैं जस्ट आपसे वो शेयर करने वाला हूँ जो मुझे अपने हार्ट में लगता है कि जो चीजें इम्पोर्टेंट हैं बिजनेस को लेके या सक्सेस को लेके, या मैंने ओवर द इयर्स इस बिजनेस के साथ जो चीजें सीखी हैं या जो चीजें मुझे समझ में आई है, मैं आपसे आज वो शेयर करने वाला हूँ। सो फ्रेंड्स, सबसे इम्पोर्टेंट चीज ये है कि जब आपने देखा होगा कि मेरा कोई भी कन्वर्सेशन होता है, मेरी कोई भी बातचीत होती है, तो मैं मोटिवेशन से ऊपर, मैं चेक से ऊपर, मैं एक चीज के ऊपर बहुत ज्यादा जोर देता हूँ, वो ये होता है कि आप steamteam.ca पे आप रोज कितना टाइम बिता रहे हैं, आप ट्रेनिंग्स कितनी अटेंड कर रहे हैं। तो इसके पीछे मेरा मेन रीजन क्या है, तो मेरा जो नंबर वन रीजन है वो ये है फ्रेंड्स कि मुझे ऐसा लगता है कि लाइफ में अगर हमें सक्सेसफुल होना है तो सबसे बड़ी चीज, चाहे वो डिसिप्लिन हो, चाहे वो वर्क हो, उन सबसे भी बढ़ के है वो है अवेयरनेस। यानी आपको इस चीज का पता होना कि एग्जैक्टली गलती कहाँ हो रही है या एग्जैक्टली कमी कहाँ पे है। तो अवेयरनेस जो है ना, वो एक्चुअल में लाइफ की सक्सेस की कुंजी है अगर आप देखें तो, रियल मायने में। सो ये बाकी और जो चीजें हैं वो सेकेंडरी होती हैं, बाकी और जो चीजें होती हैं वो आपके सेकेंड नंबर पे आती हैं, लेकिन जो नंबर वन नंबर पे आती है वो चीज होती है कि आप कितने जागरूक हैं अपने बारे में, या आपको कितना पता है अपनी कमियों के बारे में, या अपना आपको कितना पता है आपको अपने अंदर क्या क्या इम्प्रूवमेंट लाने हैं या क्या क्या स्ट्रेंथ है। सो अगर आप ये चीज पता नहीं कर रहे हैं, और ये पता करने का सिर्फ एक ही रास्ता है डियर फ्रेंड्स, और वो है ट्रेनिंग्स। आप ने कोई ना कोई पर्सनल डेवलपमेंट ट्रेनिंग प्रोग्राम के आप पार्टिसिपेट कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, जो आपको कंपनी फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड कर रही है, आप उसके साथ प्लग्ड इन है या नहीं है। सो अगर आप वो चीज नहीं कर रहे हैं तो आप जस्ट जिंदगी में, जो मैं इसको सिंपल शब्दों में बोलूं तो आप क्या कर रहे हो, आप जिंदगी में बह रहे हो बस, आप एक जगह से दूसरी जगह। जैसे नाव आपकी जो है, लाइफ की जो नौका है, वो जस्ट सिंपली जिधर हवा बह रही है आप उधर बहते जा रहे हो। लेकिन माय डियर फ्रेंड्स, मैं ऐसा नहीं बोलूंगा कि इससे आपको बिल्कुल सफलता नहीं मिलेगी, आपको बिल्कुल सक्सेस नहीं मिलेगी। आप डेफिनेटली, आपको थोड़ी बहुत सक्सेस मिल सकती है, अगर कभी हवा आपके फेवर में हुई आपको थोड़ी सक्सेस भी मिल जाएगी, आपको थोड़ी हैप्पीनेस भी मिलेगी। लेकिन जो रियल हैप्पीनेस है, या जो रियल जिसको बोलते हैं कि अगर आपको सफलता चाहिए, तो उसके लिए डेफिनेटली आपको एफर्ट पुट करना पड़ेगा। ये हमें पसंद हो या ना हो, हमें वो चीजें करनी पड़ेंगी जो हमें नहीं भी पसंद है, वो भी हमें करनी पड़ेगी, जस्ट बिकॉज, क्योंकि अगर हम वो चीजें नहीं करेंगे तो हमें कभी भी उस लेवल पे सक्सेस नहीं मिलेगी। तो अब सेकंड क्वेश्चन ये आता है कि जो लोग फेल होते हैं या जो लोग बिजनेस में सक्सेसफुल नहीं होते हैं या लाइफ में सक्सेसफुल नहीं होते हैं, उनके पीछे का नंबर वन कारण क्या है। तो मुझे ऐसा लगता है, ये मेरी पर्सनल ओपिनियन है, मैं हो सकता है मैं कहीं ना कहीं गलत भी हूँ, लेकिन मुझे ऐसा लगता है आजकल के डेट टाइम में, इंफॉर्मेशन एज में, हम में से हर एक पर्सन को ये चीज पता है कि उसको क्या करना है सक्सेसफुल होने के लिए। हर एक पर्सन को इस चीज का पता है कि उसको क्या चीज करनी चाहिए जिससे वो सक्सेसफुल होगा। लेकिन हम में से मैक्सिमम लोग, मैं ऐसा बोलूंगा हम में से ज्यादातर लोग, और कहीं ना कहीं हमें ऐसा लगता है कि हम वो एफर्ट डालने के लिए हम रेडी नहीं होते हैं किसी न किसी फील्ड में, चाहे वो कोई भी फील्ड हो। मैं, कोई जरूरी नहीं है मैं सिर्फ बिजनेस की बात कर रहा हूँ, हो सकता है वो एक रिलेशनशिप की मैं बात करूं, या मैं एक फ्रेंडशिप की बात करूं, या आप बिजनेस वर्ल्ड को ही ले लेंगे, आप कोई भी फील्ड ले लें अपनी लाइफ का। तो ज्यादातर लोग असफल क्यों होते हैं किसी भी फील्ड में, बिकॉज वो अपना अटेम्प्ट डालने के लिए रेडी नहीं है, वो उस चीज के लिए एफर्ट डालने के लिए रेडी नहीं है। तो इसकी वजह से ज्यादातर लोग जो होते हैं वो सिर्फ क्या बोलते हैं इसको, सर्वाइवल मोड में हैप्पी है कि उनको जस्ट थोड़ा बहुत जो भी मिल रहा है वो उसमें खुश हैं, वो उसमें हैप्पी हैं, जितनी चादर है उतना ही हमें पैर पसारना है, वो जो कहावत होती है वो हम अपनी लाइफ में उसको साकार करने की कोशिश करते हैं, कोई टेंशन नहीं है, होता है तो ठीक है, नहीं होता है तो कोई दिक्कत नहीं है। तो हम ज्यादातर लोग जो हैं वो सर्वाइवल मोड में हम अपनी लाइफ बिताते हैं। तो फ्रेंड्स, जो सबसे बड़ा डिफरेंस होता है अवेयरनेस के बाद, अवेयरनेस जब आपको पता है कि आपके अंदर के कैरेक्टर डिफेक्ट्स क्या हैं, आपको पता है कि मेरे अंदर की स्ट्रेंथ क्या है, मेरे अंदर की वीकनेस क्या है, तो उसके बाद जो सेकंड नंबर का सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है वो होता है हमारा डिसिप्लिन। डिसिप्लिन जो होता है वो बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है लाइफ का। मतलब अगर आप, मैं एक अगर सिंपल शब्द में बोलूं तो एक सक्सेसफुल पर्सन और एक अनसक्सेसफुल पर्सन के बीच में जो सबसे बड़ा खाई है, जो सबसे बड़ा गैप है, वो है डिसिप्लिन।
और डिसिप्लिन में भी जो सबसे खतरनाक डिसिप्लिन है उसको हम बोलते हैं सेल्फ डिसिप्लिन। ये सबसे खतरनाक है। मतलब स्कूल कॉलेज में तो हमारे पर तो एक तभी एक डिसिप्लिन होता है, एक टीचर होता है, एक एजुकेशन सिस्टम होता है जो हमें मेजर करता रहता है, हमारी जॉब में भी एक सिस्टम होता है जो हमें मेजर करता रहता है, लेकिन बिजनेस वर्ल्ड में या हमारे पर्सनल रिलेशनशिप्स में हमें कोई मेजर करने वाला नहीं है पर्सन। तो जो सबसे बड़ा रिस्क हमें सक्सेस और फेलियर के बीच में जो सबसे बड़ा डिफरेंस होता है जो मुझे लगता है वो है डिसिप्लिन। हमें से ज्यादातर लोगों को पता है कि हमें क्या करना है, हमें कितनी कॉल्स करनी है, हमें कितने लोगों से मीटिंग करनी है, हमें क्या चीज करना है, हमें कैसे बात करनी है। ज्यादातर लोग इसलिए फेल नहीं होते हैं, ज्यादातर लोग इसलिए फेल होते हैं क्योंकि उनके अंदर डिसिप्लिन नहीं होता है कि वो इस चीज को करें। और माय डियर फ्रेंड्स, जब मैं डिसिप्लिन की बात करूँ तो बहुत सारे लोग इसको सबकॉन्शियसली ले लेते हैं टैलेंट से, कि मेरे अंदर पैदा होते ही कुछ एक टैलेंट होता है जो हमारे अंदर इनबॉर्न होता है। सो माय डियर फ्रेंड्स, सक्सेस के लिए टैलेंट से ज्यादा जरूरी है डिसिप्लिन। और डिसिप्लिन जो है ना, वो हम सबके अंदर एक बराबर हम पैदा लेके पैदा होते हैं। कोई भी बच्चा जब पैदा होता है तो ऐसा नहीं होता है उसके अंदर सारे डिसिप्लिन होते हैं, उसके अंदर सारी हैबिट्स होती हैं, अच्छी अच्छी हैबिट्स होती है, ऐसा कुछ भी नहीं होता है। हर एक पर्सन जो पैदा होता है वो सेम लेवल ऑफ जीरो डिसिप्लिन के साथ पैदा होता है। डिसिप्लिन हमें लाइफ के साथ ही बिल्डअप करना होता है, और जो कोई पर्सन उस चीज को बिल्ड कर पाता है वही उस चीज को टेस्ट कर पाता है। नाउ कुछ मेंटल ब्लॉक्स होते हैं डेफिनेटली, मैं मानता हूँ, जिसकी वजह से हम सेल्फ डिसिप्लिन नहीं अडॉप्ट कर पाते हैं, हम जिसकी वजह से हम कोई चीज नहीं ले पाते हैं। काफी सारे लोग क्या करते हैं, वो कोई ना कोई एक मैजिक पिल खोजते रहते हैं अपनी पूरी लाइफ में। जैसे मैजिक पिल किस फॉर्म में हो सकती है, मैजिक पिल उनको लगता है कि कंपनी का कोई नया प्रेजेंटेशन आ जाएगा, कोई नया तरीके का पे प्लान आ जाएगा, या कोई एक ऐसा मैजिकल मोटिवेशन सेशन होगा, एक मोटिवेशन सेमिनार होगा जिसमें उनका जो है मेंटेलिटी चेंज हो जाएगी, या कोई एक मैजिकल मोटिवेशनल मेंटर मिल जाएगा उनको, या कोई ऐसा स्पॉन्सर मिल जाएगा, या ऐसा कोई नई अपॉर्चुनिटी मिल जाएगी जहां पे उनको जो है ये सारी मैजिकल चीजें मिल जाएंगी, जहां पे उनको डिसिप्लिन की इतनी ज्यादा जरूरत नहीं होगी, जहां पे उनको काम करने की इतनी ज्यादा जरूरत नहीं होगी। और इसी के साथ मैं एक ये भी चीज बोलना चाहूंगा कि जो दुनिया में सबसे बड़ा मार्केट है, अनफॉर्चुनेटली जो फ्रॉड मार्केट है सबसे बड़ा, वो ये है कि लोगों को आप कन्वीनियंस बेचो, लोगों को आप ऐसी चीज बेचो जो शॉर्टकट है, कि आपको कोई पर्सनल डेवलपमेंट करने की जरूरत नहीं है और आप रातों रात आप सक्सेसफुल हो जाओगे, जस्ट आपको सिर्फ जुड़ने की जरूरत है। तो लोग उसके साथ जुड़ते भी हैं और अनफॉर्चुनेटली फिर लॉन्ग रन में वो बोलते हैं कि मुझे इस इंडस्ट्री की तरफ देखना भी नहीं है। हालांकि गलती किसकी रहती है, गलती वो अंदर से वो कभी भी इस चीज का रियलाइजेशन भी नहीं करते कि उनको पर्सनल डेवलपमेंट करने की जरूरत थी। नाउ एक मैं आपसे पॉजिटिव बात भी कहूंगा कि एक लॉ होती है जिसको बोलते हैं लॉ ऑफ प्रैक्टिस। लॉ ऑफ प्रैक्टिस ये है कि कहती है कि ये इम्पॉसिबल है इस दुनिया में, मुझे किसी और दुनिया का नहीं पता है, अगर हम प्लेनेट अर्थ की बात करें तो ये इम्पॉसिबल है, अगर आप एक एक्टिविटी बार बार आप करें, सेम एक्टिविटी अगर आप रिपीट करते हैं तो आप बेटर नहीं होंगे। सो ऐसा इम्पॉसिबल है, ऐसा कहीं पे भी पॉसिबल नहीं है कि आप अगर सेम एक्टिविटी को बार बार रिपीट कर रहे हैं तो आप बेटर नहीं हो सकते। तो माय डियर फ्रेंड्स, मैं आपसे कुछ एक चीजों के ऊपर बात करता हूँ आज, जिनको मैं बोलता हूँ कि हमारे एटीट्यूड या हमारे कैरेक्टर के जो डिफेक्ट्स होते हैं, एटीट्यूड या कैरेक्टर में दोनों एक ही तरीके से मैं एड्रेस कर रहा हूँ, हालांकि दोनों थोड़े थोड़े डिफरेंट चीजें हैं, बट मेरा कहने का मतलब समझना, मैं आपसे क्या कहना चाह रहा हूँ कि हमारी थिंकिंग पैटर्न में कुछ एक मिस्टेक्स होती हैं जिनको ओवरकम करने के लिए डेफिनेटली आपको एक पर्सनल डेवलपमेंट प्रोग्राम की जरूरत है। डेली बेसिस पे जैसे आप शरीर को खाना देते हो, जैसे आप शरीर को न्यूट्रिशन देते हो, अगर आप अपने दिमाग को न्यूट्रिशन नहीं दे रहे हो, अगर आप अपने दिमाग को पर्सनल डेवलपमेंट प्रोग्राम, माइंडसेट अपग्रेड प्रोग्राम नहीं दे रहे हो, तो इन लॉन्ग रन इट इज इम्पॉसिबल फॉर यू टू बिकम सक्सेसफुल। मैं बहुत हार्ड वर्ड यूज कर रहा हूँ लेकिन ये फैक्ट है, मैं इसको रिपीट करता हूँ, ये इम्पॉसिबल है कि आप लॉन्ग टर्म में बड़ी सक्सेस उठा पाओ कभी भी, अगर आपने अपने माइंडसेट इम्प्रूवमेंट पे काम नहीं किया। जैसे अगर मैं कुछ एटीट्यूड की डिजीजेस की बात करूँ, तो जैसे एक बहुत कॉमन डिजीज होती है जिसको हम बोलते हैं इनडिसिजन, ये आपको बहुत बार प्रोस्पेक्ट्स में भी मिली होगी, जिसमें मैं जिसको मैं दूसरे शब्दों में मैं बोलूँ तो इसको मैं बोल सकता हूँ कि मेंटल पैरालिसिस, यानी उनको ऐसा लगता है कि अगर मैंने गलत डिसीजन ले लिया तो क्या होगा, अगर ये मेरा जो डिसीजन है वो गलत निकला तो क्या होगा, या मैंने इस कंपनी के साथ आगे काम किया तो क्या होगा। तो मैं अपने एक्सपीरियंस के बेसिस पे आपसे ये कह रहा हूँ कि अगर आप गलत साइड पे हो तो आपको थोड़े टाइम में पता चल जाएगा, अगर आप 100% आप अपना देते हो तो। सो
अगर आप ये सोचते हो कि इससे बेहतर है कि मैं डिसीजन लू ही ना, या मैं इस चीज के बारे में मैं सोचू ही ना, तो डेफिनेटली मैं इसको बोलूंगा कि ये एक आपके लिए एक रॉन्ग डिसीजन होगा इन लॉन्ग रन, कि आप अपने आपको आप एक आप हार्म पहुंचाओगे अपने लाइफ को। जैसे बहुत सारे लोग ये सोचते हैं कि मैं लाइफ में कोई भी गलत डिसीजन लू ही ना, लेकिन मेरा ऐसा मानना है कि अगर आप गलत डिसीजन लेते हो तो आपको आगे सही डिसीजन लेने के लिए हेल्प करने वाला है। ऐसा कुछ भी नहीं है कि अगर आपने गलत डिसीजन लिया तो आप जिंदगी भर गलत डिसीजन लेते रहोगे, ऐसा बिल्कुल नहीं है। हो सकता है आपने गलत प्लेटफॉर्म ज्वाइन किया, हो सकता है आपने लाइफ में गलत डिसीजन लिया, हो सकता है आपने लाइफ में एक जगह आपने ठोकर खाई। इसका ये मतलब नहीं कि आप पूरी लाइफ जो है आप जो है आपको डिसीजन ही मत लो। आप डिसीजन लोगे, वो जो गलत डिसीजन था वो आपको आने वाले टाइम में एक सही डिसीजन लेने के लिए आपको एक्सपीरियंस देगा, आपको विजडम देगा, आपको नॉलेज देगा। तो एक जिसको मैं बोलता हूँ कि लैंग्वेज ऑफ द पुअर, लैंग्वेज ऑफ द पुअर में मैं बोलूंगा कि एक गरीब की जो कॉमन लाइन होती है वो ये होती है कि अगर मैं गलत हुआ तो। एक गरीब आदमी हमेशा क्या बोलता है, अगर मैं गलत हुआ तो क्या होगा, और अगर इस गलती के साथ साथ मेरे साथ ये भी गलत हो गया तो और क्या होगा। सो एक गरीब आदमी हमेशा आपसे यही बात बोलता हुआ आपको मिलेगा कि मैंने अपने लाइफ में हमेशा सारे डिसीजन अच्छे लिए हैं, मैंने मैंने हमेशा नाप तोल के हर चीज की है। लेकिन मैं अगर आपके सामने एक ऑप्शन रखता हूँ, जस्ट एक इमेजिनरी ऑप्शन आप लेके देखें, जब आप छोटे बच्चे हो और आपको दो ऑप्शन दिए जाते हैं, आपको एक ऑप्शन दिया जाता है कि आपको एक ऐसी जिंदगी दी जाए जहाँ पे और लोग आपको खाना खिलाएंगे, आपको पानी पिलाएंगे, आपको बेड पे रखेंगे, आपको कहीं पे जाना नहीं है, आपको कहीं पे आना नहीं है, आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है, जस्ट सिंपली आपको क्या करना है, आपको एक ही जगह पे एक ही कमरे में रहना है, एक ही टेम्परेचर में आपको रखना है, आप बिल्कुल बीमार नहीं पड़ोगे, आपके हर चीज का ख्याल रखा जाएगा। और एक दूसरी तरफ एक ऐसी सिचुएशन है जहाँ पे आपको लाइफ में फ्री आजादी है, आप जो मर्जी आप वो करो, आपकी लाइफ एडवेंचरस होगी और आपकी उम्र शायद 35 से 40 साल होगी। तो डेफिनेटली अगर आप एज ए बच्चे हो या आज की भी डेट में अगर मैं आपको ऐसी लाइफ का ऑप्शन दूँ, तो ज्यादातर लोग ये सेलेक्ट करेंगे कि वो 35 से 40 साल की उम्र जो है ना वो 10 times ज्यादा अच्छी है, बजाय ये 100 साल की एक कमरे में बंद जिंदगी के। अगर आप देखो तो जेल के अंदर क्या कमी होती है, जेल के अंदर कोई कमी नहीं होती है, आपको खाना मिल रहा है, आपको 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 बेड मिल रहा है, आपको कमाने की टेंशन नहीं है, आपको कोई चीज की टेंशन नहीं है। जैसे आपकी जो आजादी है डिसीजन लेने की वो आपसे छीन ली गई है, आप अपने मर्जी से कुछ नहीं कर सकते हो, इसलिए ही तो लोगों को जेल बुरी लगती है। जनरली मैं इंडिया की बात नहीं कर रहा हूँ, अगर मैं इन जनरल एक स्टैंडर्ड जेल्स की बात करूँ तो सिर्फ आपसे एक ही चीज तो छीनी जाती है, वो है आपकी डिसीजन लेने की आजादी। नाउ ये कैरेक्टर डिफेक्ट के अलावा अगर मैं दूसरे कैरेक्टर डिफेक्ट की मैं बात करूँ तो बहुत सारे लोगों के अंदर होता है माइल्ड अप्रोच। माइल्ड अप्रोच क्या होता है कि मैं ये भी कर लेता हूँ थोड़ा सा, मैं ये भी कर लेता हूँ, मैं इसको भी कर लेता हूँ, मैं इसको भी कर लेता हूँ, एक ही कस्टमर के पास गया उसको ये भी बेच देता हूँ, उसको ये भी बेच देता हूँ, मैं इस चीज में भी हाथ डाल लेता हूँ, मैं इस चीज में भी हाथ डाल लेता हूँ। इसको मैं बोलता हूँ कि ये माइल्ड अप्रोच है लाइफ में, या मेरे किसी चीज को लेकर मैं बहुत ज्यादा स्ट्रांग फीलिंग नहीं होती है मेरे अंदर, मैं बहुत ज्यादा अटैच नहीं होता हूँ किसी चीज से, तो इसको आप बोल सकते हो माइल्ड अप्रोच। माइल्ड अप्रोच के दोनों टाइप है, एक तो है कि मुझे किसी भी चीज के लिए इतना ज्यादा मोटिवेशन या इतना ज्यादा स्ट्रांग फीलिंग कभी आती नहीं है, और दूसरा यह है कि माइल्ड अप्रोच की मैं एक चीज ये भी टच कर लू, मैं एक चीज ये भी कर लू, तो इसको मैं बोलता हूँ माइल्ड अप्रोच। अगर माइल्ड अप्रोच आप रखते हो, आप किसी भी चीज के लिए आप 100% नहीं दे पाते हो, नंबर वन चीज। और जब आप 100% नहीं दे पाते हो तो आपको कभी भी 100% आप उस चीज को जज नहीं कर पाओगे कि ये चीज आपके लिए है या नहीं है। तो मेरा आपको सजेशन ये होगा कि भले से आप थोड़े टाइम के लिए ही करो, बट आप एटलीस्ट फॉर 30 days, एटलीस्ट फॉर 90 days आप 100% किसी एक चीज के लिए आप दो, आपको पता चल जाएगा कि वो लाइफ में आपके लिए वो चीज 100% है या नहीं है, आपके लिए वो चीज अच्छी है या नहीं है। आप कोई भी एक्टिविटी को लो और आप उसको 100% लेवल पे करो, आपको इमीडिएटली पता चल जाएगा कि वो चीज आपके लिए हेल्दी है या नहीं है। एक और कैरेक्टर डिफेक्ट है जिसके ऊपर बहुत कॉमनली बहुत से हमने से इंडिया में तो हमने सब में इसके ऊपर सुना होगा, वो होता है वरी करना। वरी करना मतलब हम किसी ना किसी चीज को लेके चिंता कर रहे हैं। नाउ माय डियर फ्रेंड्स, मुझे ऐसा लगता है कि वरी जो है वो आपके लाइफ के ऑलमोस्ट सारे डायमेंशन को इफेक्ट करती है, चाहे वो आपके अगर मैं बात करूँ आपके हेल्थ को लेके, बहुत सारे लोग हेल्थ को लेते हैं, अगर उनको एक खांसी या जुकाम भी हो रहा है तो गूगल पे टाइप करते हैं, और गूगल की एक मैंने जो एक फिक्स प्रोटोकॉल देखा है, जो मेरे एक करीबी फ्रेंड है वो हमेशा ये काम करते हैं, उनको जरा सा भी कुछ भी फीवर भी हुआ, कुछ और सिम्टम्स हुआ, वो तो गूगल पे डालते हैं, और एक बार वो गूगल पे डाल लेते तो उसके वन ऑफ द पॉसिबल कॉजेज में एक रेयर टाइप ऑफ कैंसर भी आ गया।
तो गूगल जो है आपको कभी भी आप कोई भी चीज डालोगे तो वो आपको घूम करके लेके चला जाएगा कैंसर पे या ऐसी भी कोई लाइफ के एंड स्टेज डिजीज पे। तो बहुत सारे लोग क्या होते हैं, जब वो वरी करते हैं तो वो हेल्थ को लेके वरी करना हुआ, या कई लोग जो होते हैं वो सोसाइटी को लेके वरी करते हैं कि लोग मेरे बारे में क्या सोचेंगे, अरे मैं अभी ये कर रहा हूँ, अभी मैं ये कर रहा हूँ। कुछ लोग फैमिली को लेके वरी करते हैं, मेरी फैमिली का क्या होगा, मेरा फ्यूचर क्या होगा। कुछ लोग अपने पर्सनल प्रॉब्लम्स के बारे में वरी करते रहते हैं। कुछ लोग जो होते हैं वो अगर मैं इन शॉर्ट में बोलूँ तो सुपर वो वॉरियर होते हैं। वो वॉरियर वो वाला नहीं वॉरियर होता है, मैं सुपर वॉरियर की बात कर रहा हूँ कि जो चिंता करने में एक्सपर्ट होते हैं। वॉरियर तो एक तो लड़ाई करने वाला होता है जो फाइट करता है, एक होते हैं जो सुपर वॉरियर होते हैं जो हमेशा वरी करते रहते हैं ऑल टाइम लाइफ में। तो इनको मैं बोलता हूँ सुपर वॉरियर, वो भी सुपर वॉरियर ही है, लेकिन उनकी उनकी वॉरियर की जो डेफिनेशन है वो थोड़ी सी डिफरेंट है। और जो हमारे यहाँ पे बोला जाता है कि चिंता चिता के समान है, तो कई सारे लोग इसकी वजह से अपनी लाइफ में राइट एक्शन नहीं ले पाते हैं, ये भी एक कारण होता है। कुछ एक लोगों का एक कारण होता है कि वो डाउट बहुत करते हैं। डाउट करने का मेरा पर्पस क्या है, डाउट उनको हर चीज पे डाउट होता है, कंपनी सही है या नहीं, ये प्रोडक्ट सही है या नहीं, ये पार्टनर सही है या नहीं, ये लाइफ पार्टनर सही है या नहीं, ये मेरा फ्रेंड सही है या नहीं। और सबसे बड़ा डाउट होता है उनका खुद के ऊपर, क्या मैं कर पाऊंगा या नहीं कर पाऊंगा। सो उनको तो मैं अगर एक लाइन में मैं अगर सजेशन बोलूँ जो मेरे आपको अपने हार्ट से जो मेरे निकलता है वो यही है कि आप इंस्टेड ऑफ बिकमिंग अ डाउटर आप एक बिलीवर बन जाओ। आप एक बिलीवर किस में बन जाओ, आप स्टार्टिंग कर सकते हो खुद से। खुद से आप कैसे स्टार्टिंग कर सकते हो, जैसे अगर आपने अपने लाइफ के लिए कोई एक चीज आपने सोची कि मुझे ये चीज करनी है, या मुझे ये एक चीज करना है, या क्या ये चीज में दम है या नहीं है, आप पहले अपने आप खुद पे भरोसा आप रखो। अगर आप खुद पे आप भरोसा रखोगे तो ही आप जो है आप कोई और चीज हैंडल कर पाओगे। तो डाउट भी एक बहुत बड़ा कारण होता है जिसकी वजह से हम एक्शन नहीं ले पाते हैं, हम कोई भी चीज नहीं कर पाते हैं। नाउ एक और हमारे अंदर कैरेक्टर डिफेक्ट होता है जिसको हम बहुत कॉमन कैरेक्टर डिफेक्ट होते हैं, वो होता है ओवर प्रिकॉशन। हम हर चीज को लेके ओवर ज्यादा सेफ्टी के बारे में सोचते हैं, ठीक है कि ये किया तो क्या होगा, जो जैसे मैंने आपको बताया था लैंग्वेज ऑफ द पुअर, एक गरीब गरीब की जबान, कि ये किया तो क्या हो जाएगा, अगर मैंने ये किया तब तो मेरी तो लाइफ बर्बाद हो सकती है, ये तो बहुत ही ज्यादा रिस्की है। नाउ जो लोग बहुत ज्यादा कॉशियस रहते हैं, जो बहुत हर टाइम सोचते रहते हैं ना ये किया सही होगा या नहीं होगा, ये नहीं किया तो सही नहीं होगा क्या, मैं आपको बता दूं कि आपकी लाइफ जो है ना जब आप पैदा हुए तब से ही रिस्की है। आप जिस घर में रह रहे हो वो भी रिस्की है, कभी भूकंप आ गया आपकी डेथ हो सकती है, कभी आप बीमार पड़ सकते हो, कभी आपके साथ कुछ भी हो सकता है। आपकी लाइफ डे वन से रिस्की है। अगर आप ऐसा सोच रहे हो कि आपकी लाइफ डे वन से सिक्योर है तो आप गलत सोच रहे हो, आपकी लाइफ डे वन से रिस्की है। और रिस्क कितना बड़ा है, अगर आप लाइफ में आप बहुत ज्यादा प्रिकॉशन लेते हो, तो मैं आपको बता दूं लाइफ का सबसे बड़ा रिस्क ये है कि आप लाइफ से कभी भी जिंदा बाहर नहीं निकलोगे। यानी अगर मैं आपको बोलूं तो लाइफ आप जब कंप्लीट करोगे ना तो आप जिंदा नहीं रहोगे उस टाइम पर। तो एक ना एक दिन हम सभी को जाना है। और आप लाइफ को कोई भी एक्टिविटी ले लो ना, हर एक लाइफ की एक्टिविटी में रिस्क पड़ा हुआ है। आप शादी करने जाते हो, क्या गारंटी है कि आपके अपने पार्टनर के साथ आप पूरी लाइफ टाइम आप बिता पाओगे। आप बच्चे करते हो, आपको क्या गारंटी है आपका बच्चा हेल्दी होगा बड़ा होगा। आप बिजनेस स्टार्ट करते हो, क्या गारंटी है आपका बिजनेस सक्सेसफुल होगा। हर एक चीज में रिस्क है। तो अगर आप ओवर प्रिकॉशन लेते हो तो भी आप लाइफ में आगे नहीं बढ़ सकते हो, आप कभी भी एक्टिविटी आप नहीं कर पाते हो। या मैं एक और रीजन में बात करता हूँ जिसकी वजह से लोग एक्टिविटी नहीं कर पाते हैं, वो होता है पेसिमिस्टिक अप्रोच। और बहुत सारे लोग इसमें खुद को एक्सपर्ट मानते हैं कि, और कई सारी तो ऐसी जॉब जॉब प्रोफाइल्स भी होती है, मेरे फ्रेंड ने बताया कि रिस्क एनालिसिस एक जॉब प्रोफाइल होती है। तो कुछ लोग ऐसे होते हैं जो पेसिमिस्टिक होते हैं, जो हमेशा बैड साइड देखते हैं पिक्चर का, अगर ये नहीं चला तो, अगर मैंने प्रोडक्ट को यूज किया तो मुझे रिजल्ट नहीं आया तो, अगर मैंने ये बिजनेस किया रिजल्ट नहीं आया तो, अगर मैंने काम स्टार्ट किया तो नहीं आया तो, या नहीं हुआ तो, उनका एक कॉमन लाइन होता है, पेटेंटेड लाइन होता है। और मेरा एक फ्रेंड था वेस्ट बंगाल से, उसने एक बार मुझे कुछ एक रीजंस दिए थे कि एनएसटी ग्लोबल इंडिया में क्यों नहीं आएगी। ये मैं आपसे बात कर रहा हूँ तब की जब बिजनेस कंपनी इंडिया में नहीं आई थी, तो उस टाइम पे उसने मुझे कुछ 6-7 रीजंस लिख के दिए थे कि क्यों ये कंपनी इंडिया में नहीं आएगी कभी भी। ये मैं आपसे बात बता रहा हूँ 2017-18 की, 17 की बात बता रहा हूँ शायद।
उसने मुझे कुछ एक रीजंस लिख के दिए थे, ये रीजंस हैं और ये मेरी है एनालिसिस है, इस पे मैंने करीब 3-4 दिन का टाइम लगाया है। तो मैंने उसको एक ही चीज फनी वे में मैंने एड्रेस किया था। मैंने कहा था, भाई तुमने तो बहुत मेहनत की, मेरे ख्याल से इसमें से एक भी रीजन काफी है कंपनी के इंडिया में नहीं आने का। तो कई लोग इसमें अपने आप को एक्सपर्टीज समझते हैं कि वो कमियां निकालने में एक्सपर्ट है। जैसे आपको इस तरीके के लोग आपको सोसाइटी के हर एक तबके में मिलेंगे जो कमी निकालने में एक्सपर्ट है, जो पेसिमिस्टिक है, जिनके पास आप जाओगे तो वो आपको ये चीज डेफिनेटली बता सकते हैं गारंटी के साथ कि आप किस तरीके से आप ये चीज काम नहीं करेगी। नाउ लास्ट पॉइंट जो मैं आपसे डिस्कस करूंगा वो है, और जो सबसे डेडली है वो है कंप्लेनिंग। अपने सारी चीजों को आप ओवरकम कर सकते हो, लेकिन अगर आपके अंदर कंप्लेनिंग वाली प्रॉब्लम है तो आपके लिए बहुत डिफिकल्टी होगी। कंप्लेनिंग क्यों डिफिकल्ट होगा मैं आपको ये भी बता दूं, क्योंकि तो ये सारे पॉइंट्स आपको खुद की तरफ आपको डायरेक्ट डायरेक्ट करते हैं। चाहे मैंने आपसे कोई भी बात की, चाहे वो इनडिसीजन की बात की हो, माइल्ड अप्रोच की बात की हो, पेसिमिस्टिक होने की बात की हो, या बाकी और भी जो मैंने आपसे रीजंस डिस्कस किए हैं। लेकिन ये जो पॉइंट है ना कंप्लेनिंग का, ये हमारे कैरेक्टर का इतना बड़ा डिफेक्ट है क्योंकि ये हमेशा दूसरों की तरफ देखता है, ये हमेशा दूसरों की तरफ पॉइंट आउट करता है। तो कंप्लेनिंग के साथ प्रॉब्लम क्या है कि जितने टाइम आप कंप्लेन कर रहे हो उतना टाइम आप किल कर रहे हो अपना। सो कंप्लेनिंग आप किसी के लिए भी कर सकते हो, आप अपने पार्टनर की कंप्लेनिंग कर सकते हो, आप बिजनेस की कंप्लेनिंग कर सकते हो, आप अपने फ्रेंड की कंप्लेनिंग कर सकते हो, आप अपने लाइफ की कंप्लेनिंग कर सकते हो, आप अपने कंट्री की कंप्लेनिंग कर सकते हो, आप दुनिया की हर एक चीज की कंप्लेनिंग कर सकते हो। लेकिन जितना टाइम आप कंप्लेन कर रहे हो, जितना टाइम आप कंप्लेनिंग मोड में हो, जितना टाइम आप शिकायत करने में लगे हो, कंप्लेनिंग का मतलब शिकायत, उतने टाइम तक आप जो है वो आपका डेड है टाइम। उस टाइम तक आप कुछ नहीं कर पाओगे, ये गारंटीड बात है। सो माय डियर फ्रेंड्स, अगर आप इनमें से कोई भी चीज से आप फेस कर रहे हो, चाहे वो कोई भी चीज हो जो मैंने भी आपके साथ डिस्कस किया, मैंने आपके साथ जो जनरल टॉक की, मेरा आपसे हम्बल रिक्वेस्ट यही होगा, अगर आप अभी तक steamteam.ca को सीरियसली नहीं ले रहे हो, मेक श्योर आप steamteam.ca के आप पार्ट बनो। आप मेक श्योर करो आप कोई ना कोई पर्सनल डेवलपमेंट बुक के साथ आप अटेंड करो, आप उसको रीड करो। अगर आप इस बिजनेस के साथ 90 डेज में उससे ज्यादा टाइम से हो और आपकी 2 या 3 किताबें नहीं खत्म हुई है steamteam.ca पे, मैं आपको गारंटी के साथ बोल सकता हूँ कि आप एक रॉन्ग पाथ पे हो। आपकी सक्सेस गारंटी के साथ मैं बोल सकता हूँ कि आप फेलियर की तरफ। तो सक्सेस की लोग गारंटी लेते हैं, मैं आपको ये बोल सकता हूँ कि आप गारंटी के साथ आप फेलियर की तरफ हो, क्योंकि आपकी राइट माइंडसेट ही नहीं है। और अगर आपका राइट माइंडसेट नहीं है, अगर आपका सॉफ्टवेयर ही अपडेटेड नहीं है, तो आप कभी भी सक्सेसफुल नहीं हो सकते 100%। हम में से हर किसी को जब फोन में कोई अपडेट आता है तो हम बहुत खुश हो जाते हैं कि ये फोन में अपडेट आया है, यानी सॉफ्टवेयर अपडेट की बात हो रही है। लेकिन जब हमारे खुद के सॉफ्टवेयर अपडेट की बात होती है जो हमें खुद से करना होता है, तो हम बहुत पैसिव हो जाते हैं, बहुत शांत हो जाते हैं, हम उसके बारे में एक्सक्यूज खोजने लगते हैं, आज मेरे पास टाइम नहीं था, आज मेरे पास ये नहीं था। मैं आपको एक सिंपल सा रीजन देता हूँ, हम सभी लोग न्यूट्रिशन और ब्यूटी इंडस्ट्री में वर्क कर रहे हैं, अगर आपका कस्टमर या आप खुद प्रोडक्ट को यूज नहीं करोगे कंसिस्टेंटली, जितना बोला गया उसको जैसे यूज करने को, क्या आपको लगता है रिजल्ट आएगा? हम में से हर किसी को पता है रिजल्ट नहीं आएगा। उसी तरीके से माय डियर फ्रेंड्स, अगर आप पर्सनल डेवलपमेंट प्रोग्राम को सीरियसली नहीं ले रहे हो, मैं आपको गारंटी के साथ बोल सकता हूँ आपको रिजल्ट नहीं आएगा। और इस बिजनेस में आपके दो ही साइड हैं, या तो आप सक्सेसफुल हो या तो आप फेलियर हो, बीच का कुछ नहीं है। या तो आपकी जो एक्सपेक्टेशन थी जिसके साथ आप इस बिजनेस में आए थे, या तो आप आज की डेट में एक फेलियर हो गए, या तो आप एक सक्सेसफुल पर्सन हो गए। तो अगर आपको वाकई में लगता है आपको एक लॉन्ग टर्म पे जाना है, मेक श्योर आप steamteam.ca के पार्ट हो, आप उसके हिस्सा बनो और आप हर एक ट्रेनिंग को आप सीरियसली लो। ये जो वेबिनार्स हैं, ये वेबिनार्स आपको वीकली बेसिस पे जस्ट एक आपको डायरेक्शन दे रहे हैं, लेकिन मैं आपको ये बोल रहा हूँ ये जो डायरेक्शन है ये बहुत छोटा सा हिस्सा है उस होल एक्टिविटी का जो आपको करना है, क्योंकि सक्सेस की जर्नी हमेशा बहुत ही लोनली होती है, बहुत ही पर्सनलाइज्ड होती है। हर एक की सक्सेस जर्नी कम्प्लीटली डिफरेंट होने वाली है, क्योंकि हर एक के कैरेक्टर डिफेक्ट्स अलग हैं, हर एक के चैलेंजेस अलग हैं, हर एक की स्ट्रेंथ अलग है। तो ऐसा कोई भी मैजिक पिल नहीं है, ऐसा कोई भी मैजिक प्लेटफॉर्म नहीं है, ऐसा कोई भी मैजिक प्लेस नहीं है, या ऐसा कोई मैजिक प्लान नहीं है जो आपको ओवरनाइट आपको एक फेलियर पर्सन से आपकी डेफिनेशन के हिसाब से एक सक्सेसफुल पर्सन में कन्वर्ट कर दे आपकी डेफिनेशन के हिसाब से। और हर किसी के दिमाग में एक सक्सेसफुल पर्सन की एक इमेज होती है, जहाँ पे हम हमेशा लाइफ टाइम हम अचीव करना चाहते हैं। अगर आपको अचीव करना है
आप चाहो या ना चाहो आपको पर्सनल डेवलपमेंट प्रोग्राम पे वर्क करना ही पड़ेगा। आज का ये जो वेबिनार है मैं यहीं पे एंड करता हूँ, और मैं आशा करता हूँ आपको कुछ एक चीजें प्रोडक्टिव मिली होंगी। मैंने आज कोई भी स्लाइड्स प्रिपरेशन नहीं की, मैंने जो भी आपसे बात की मैंने फ्रॉम द बॉटम ऑफ माई हार्ट मैंने बात की, या जो भी मेरा एक्सपीरियंस था मैंने आपसे वो शेयर किया। आशा करता हूँ आपको कुछ प्रोडक्टिव मिला होगा। अगले हफ्ते हम लोग फिर से एक बार मिलेंगे किसी न किसी नए टॉपिक के साथ, किसी न किसी नई इंस्पिरेशनल टॉक के ऊपर, या किसी न किसी नई इंफॉर्मेशनल सेशन के ऊपर। थैंक यू सो मच, आप सभी ने अपना टाइम शेयर किया और आप इस वेबिनार पे आए। विश यू ऑल द बेस्ट, और आप मेक श्योर करें कि आप कल मॉर्निंग में steamteam.ca पे जरूर लॉग इन करें। थैंक यू, बाय बाय।